हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत एंड आज हम करेंगे एसएससी सीजीएल का थर्ड चैप्टर का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन डिफरेंट फैसिलिटीज इन स्कूल इज एज फॉलो। तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं जो इन डिफरेंट सब्जेक्ट में इनरोल हैं, तो हमें निकालना द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस और वोकेशनल सब्जेक्टेज। यहाँ पर जो है एंड होगा साइंस एंड वोकेशनल सब्जेक्टेज। तो आप साइंस और वोकेशनल में देखेंगे कितने बच्चे हैं, 35 प्लस 18 43 एंड वोकेशनल पर 40 हैं, तो ये आपके टोटल 93 हैं। तो आपको परसेंटेज निकालना है, तो टोटल टोटल अपॉन में टोटल आएगा, टोटल जो है 250 है। 250 इंटू 100 करेंगे तो इसे आप कैंसिल कर लेंगे 25 से, 25 चक्कू 100 और 10 बार, और ये आपका 2 से कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, 2 नम 18, 186 अपॉन 5 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 तियाँ 15। तो आप ऑप्शन देखेंगे यही है 3 से स्टार्ट होने वाला, तो ये हुआ। आगे आप अगर करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पे है, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो आप देखेंगे 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्र ये हैं, तो ये कितने हैं, ये आपके 42 हैं, और आप टोटल प्रतिशत कितना होगा, सारे अपॉन में टोटल आएगा और इससे टोटल जोड़ेंगे ये 100 आएगा, और आपको पता है परसेंटेज 100 में से ही होता है, तो यानी कि आपका कितना हो जाएगा, 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, यदि सॉरी ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर का मान। तो आप इसे ए मान लीजिए और इसे बी मान लीजिए, तो आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ये कंप्लीट ए है। तो इसे सॉल्व करते हैं, पहले मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेता हूँ। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो यहाँ से सी भी कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, डी भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 2a। तो यानी कि पहले पार्ट से जो आया आपका 2a आ गया। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट a माइनस बी वाला करेंगे। तो a माइनस बी से देखिए इससे क्या आएगा, इससे करेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो यहाँ से देखेंगे आप ए की पार्ट कैंसिल होगा ए वाला, और ये सारे दो दो बच जाएंगे, 2b 2c 2d और 2b और 2d, ठीक है, ये बचेंगे। तो इससे हम कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2b माइनस का 2c और माइनस का 2d। तो आपका एक पार्ट ये आया 2a और एक पार्ट ये आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आएगा 4a, अंदर जो बचेगा वो कितना होगा, बी माइनस सी, ये सॉरी प्लस होगा, प्लस डी, जो कि ऑप्शन कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है, 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 10 2 थीटा प्लस कॉसेक 2 थीटा का मान क्या होगा। तो इसे करने के लिए हम ये करेंगे, क्या कहते हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि थीटा जो है 0 और 90 के बीच में है, तो थीटा की वैल्यू हम 60, 30, 45 कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम 30 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो वही वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे। तो 30 रखेंगे, 2 साइन 30 कितना होता है, 2 साइन 30 आपका होता है 2 इंटू साइन 30 1/2 माइनस 8 कॉस 30 होता है आपका √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/4 और प्लस 5। तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 4 दूनी 8, 3 6 माइनस 6 प्लस 5, तो ये आपका 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि थीटा की वैल्यू 30 जो हमने पुट मानी थी वो आपकी सेटिस्फाई करी। तो 1060 कितना हो जाएगा, इससे करेंगे तो 1060 आपका √3 प्लस कॉसेक 60 आपका कितना होता है, 2/√3, तो इसे पुट यहाँ पे कर लेंगे 2/√3, और इसे सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5/√3 सॉरी 5/√3 आएगा, और इसे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी और बी ए सी की वैल्यू 40 दी है, तो बी ए का बी का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका एक ट्राइंगल है,
तो ट्रायंगल में आपको दिया गया है ए बी सी, ए बी और ए सी जो है ये बराबर हैं और हमें बी ए सी की वैल्यू 40 दी गई है। तो आपको पता है एक वैल्यू 40 है तो अदर दो वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 180 माइनस 40 140, और दोनों एंगल बराबर हैं तो ये कितना आ जाएगा 70 70 70। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो इसका आंसर आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% लाभ अर्जित करना चाहता तो उसे 8 मशीनें कितने में बेचनी चाहिए। तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला ही होता है। तो ये 6 मशीनें हैं, 6 मशीनें इंटू पहले केस में 5% का लाभ हुआ है यानी कि 105 अपॉन कितने में है 6300, इसका सेलिंग प्राइस हो गया 63,000 इक्वल टू 8 इंटू कितने का 8 मशीनें बेचनी और कितने का लाभ 115% और अपॉन में कितना आ जाएगा एक्स। ये वैल्यू हमें निकालनी है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये यहाँ से एक बार 105 इंटू 6 630 होता है तो यहाँ पे अपॉन में 100 आ जाएगा। तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800 इंटू 115, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 92000 आ जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्वेश्चन है, दो धावक क्रमशः 100 मीटर पर मिनट और 120 मीटर पर मिनट की गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो दौड़ कितनी लंबी है, यानी कि आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम है। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, और जब डिस्टेंस सेम होती है तो स्पीड जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है किसके, टाइम के। तो यानी कि पहले स्पीड जो होती है 100 से अगर 120 ले रहा है तो टाइम कितना हो जाएगा 120 से 100 हो जाएगा। तो यहाँ से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 छक्का 12 5, तो यानी कि टाइम 6 से 5 लेगा। तो इसने बोला है कि अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है, तो 10 मिनट कम समय लेता है लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितना कम समय ले रहा है वो 1 मिनट का। तो हमारे अकॉर्डिंग वो ले रहा है 1 मिनट का कम, 1 मिनट का समय ले रहा है तो 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 मिनट है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो, 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 मिनट। तो 60 मिनट, तो आपके यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगी 100 इंटू 60 कितना हो जाएगा 6000 मीटर। तो आंसर जो है वो किलोमीटर में है तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिसे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसे एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। इस पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत। तो पहले जो सीपी था उसका 100 था, तो उसने 40 पर इस प्रकार कि उसे 40 का लाभ हो, तो 40 का लाभ होगा तो अंकित मूल्य कितना होना चाहिए 140 होना चाहिए। तो इसके बाद कह रहा है कि अंकित मूल्य पर उसने यानी कि मार्क प्राइस पर उसने कितने की छूट दी 20% की। अगर इस पर 20% की छूट देगा तो ये कितने का हो जाएगा 10% आपका 14 होता है तो 20% 28 हो जाएगा। तो 140 में से 28 घटाएंगे तो कितना होगा 112। तो आप देख सकते हैं इतने में बेचा तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ, 100 की वस्तु उसने 12 में बेची तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 12, जो कि थर्ड ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 है तो उस संख्या के 92% और 56% के बीच का अंतर बताइए। तो 62 और 80% के बीच का अंतर आप परसेंटेज में देखेंगे तो कितना परसेंट है 18% है। तो लेकिन इसने 18% की वैल्यू कितनी दी है 198 दिए तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 एकम 18 तो 11 हो जाएगी, 1% की वैल्यू 11 हुई। अब इसने पूछा उस संख्या के 92 और 56% के बीच का अंतर, तो परसेंटेज के केस में कितना अंतर है ये आपका है 36 का अंतर है। तो 36% की 1% की वैल्यू 11 तो 36% की कितनी हो जाएगी 11 इंटू 36, तो 11 इंटू 36 करेंगे तो यूनिट डिजिट देखो 6 आ रही है, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में 6 है तो हम इसे टिक कर लेंगे। अगर आप आगे 100 कैलकुलेट करना है तो आप कर ले, 11 33 33 और 6 39 396 आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, 10 30 प्लस 10 60 और 10 60 अपॉन कॉस 30 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको पता है 10 30 कितना होता है 1/√3 और 10 60 कितना होता है √3 और कॉस 30 कितना होता है √3/2। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3 4 अपॉन का √3 यहाँ चले जाएगा 2 ऊपर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8/√3 × √3 8/3 थर्ड ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दी गई आकृति एपी बी ए सी को समद्विभाजित करती है। ए बी 4 सेंटीमीटर है, ए सी 6 सेंटीमीटर है और बी पी 3 सेंटीमीटर और सी पी की लंबाई। तो यहाँ पर आपका एंगल बाय सेक्टर थ्योरम पता होगा। एंगल बाय सेक्टर थ्योरम, आपको ये लेंथ दी गई है, ये लेंथ दी है और ये दी है। तो एंगल बाय सेक्टर थ्योरम कहती है ए बी अपॉन ए सी का जो रेशियो होगा सेम रेशियो बी पी अपॉन पी सी का होगा, पी सी का होगा। तो ए वी की वैल्यू आपको कितनी दी है 4 और ए सी की वैल्यू कितनी दी गई है 6 इक्वल टू बी पी 3 दिया है और पी सी या सी पी आप कह सकते हो, इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो इसे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6 × 3 = 18, 18/4 और ये 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन का। तो सिंप्लीफिकेशन में हम छोटे छोटे पार्ट को सॉल्व करते हैं। अगर हम पहले अपॉन वाला छोटा पार्ट है इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा 21/3, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 7 × 21, तो 21/21 1 आ गया, तो अपॉन का तो 1 आ गया। अब हम यहाँ सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करते तो ये कितना आ जाएगा 36 42 × 6 × 7, तो ये 6 से कैंसिल हो जाएगा 6 बार और ये 46 और 6 से 6 कैंसिल। तो इतने जो पार्ट की वैल्यू थी वो कितनी आ गई 1। और उसके बाद हम इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं, अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 18 नीचे आएगा, 6 × 3 = 18 और 3 × 8 = 24, ये आपका 8 आ जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा 2 में से 6 जाएगा 4, तो 3/-4 और उसके बाद ये लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई 3 × 6, 6 × 4 = 10, 10/8 -10/8, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 9 माइनस बाहर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये 3 × 4 = 3 × 6 ये प्लस हो जाएगा, प्लस ये 8 एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ से कितना होगा 10 + 6 = 16, 16 8 से कट गया 2 बार, तो 9 − 2 कितना हो जाएगा 7, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी कि 5 की वैल्यू आपको 20 दी है, कितना मल्टीपल है 5 × 20, तो 7 की कितनी हो जाएगी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 28, जो कि थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कितना होता है 2π r² गोलार्ध का, तो 2 × 22/7 × 7 सेंटीमीटर का है 7 × 7, तो इसको 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 × 44, 44 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 28। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट हमें हमेशा देखनी है, इससे फायदा ये होता है कि हमें आगे कैलकुलेट नहीं करना है। वैसे ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, फिर भी अगर हम 7 × 28 देखते हैं तो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है, तो सीधे इस पर टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कि 9 4 9 4 * 2 3 5 7 में स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वो वह संख्या 11 से विभाजित। तो 11 का आपको विभाजिता का रूल पता ही है कि अगर हम इवन और ऑड के संख्याओं को जोड़ते हैं और उसे माइनस करते हैं तो आपका या तो 0 आना चाहिए या वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इनको जोड़ते हैं तो ये कितना होगा 7 × 3 = 10, 10 और 19, तो 19 + स्टार को हम एक्स मान लेते हैं, 19 + x माइनस, इसके बाद यहाँ जोड़ते हैं इवन वाले 5 × 2 = 7 और 7 × 4 = 11, तो 11 करेंगे तो ये या तो 0 होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए। तो 19 पे से 11 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो ये x + 8 होगा, x + 8 = 0। अब इसे या 11 का मल्टीपल होने के लिए यहाँ पे कितने की ज़रूरत है, यहाँ पे इसे ज़रूरत है 3 की। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसका 8 + 3 = 11 आ जाता, जो कि 11 का मल्टीपल है, यानी फिर ये डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने की ज़रूरत है, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है दी गई आकृति में एपी और बीपी केंद्र वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखा है, यदि एपी भी 62 है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आपको कितनी दी है 62 दी है, तो ए क्यू बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए क्यू बी का मान ज्ञात करना है, तो आपको पता है कि ये सेंटर से जा रही है, तो ये यहाँ पर कितने का 90 का एंगल बनाएंगे, तो ये दो 90 होंगे, तो ये अगर मैं ये
चतुर्भुज ए ओ बी पी की बात करता हूँ, अगर ये दो 90 होंगे तो ये दो एंगल भी 90 होंगे, तो एक वैल्यू 62 है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 62 हो जाएगी, क्योंकि आपको चतुर्भुज के पूरे कोण का योग 360 होता है, ये 90 है ये 90 है, तो इन दोनों का 180 होगा, तो 180 में से 62 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 118, 118 आ जाएगा, तो आपकी ए ओ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 118। अब आपको पता ही है अगर सेंटर पे ये कोई आर्क सेंटर पे अगर 118 का एंगल बना रहा है तो यहाँ पे कितना बनाएगा, इसका हाफ बनाएगा, ठीक है, तो 118 का हाफ कितना हो जाता है, 59, तो इसका आंसर हो जाएगा 59। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट दी गई आकृति में कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो कॉट थीटा का मान, ये क्वेश्चन इससे गलत है क्योंकि यहाँ पे इन्होंने ये नहीं बताया कि थीटा थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ है यहाँ है, अगर हम थीटा को यहाँ पर मान लेते हैं तो ये 8 है ये 17 है, तो ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से तो ये 15 आ जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉट थीटा कितना होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब कितना हो जाएगा, 15/8, जो कि ऑप्शन सेकंड है अगर थीटा यहाँ पे होगा। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ, इसकी सिंप्लीफिकेशन करना है तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, 5/2 प्लस 3/2 6 अपॉन में ही आ जाएगा इंटू 1/2, तो ये कटेंगे 3 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, 5/2 प्लस 1/8, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 8 एलसीएम ले लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा, 5×20 माइनस 20 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा, -19/8। सिंपल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन है बस, ये जो फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट दिया गया है 27a³ माइनस 2√2b³, तो इसका आपको या तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपका होता है a - b, a+b+ab, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अब आपको इस फॉर्मूला रख देना है, तो आपको पता है ये वाला पार्ट में क्या आ रहा है, सारे पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ तो निगेटिव निगेटिव है, और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, तीसरा ऑप्शन भी निगेटिव हो जाएगा क्योंकि तीसरा ऑप्शन भी हम कैंसिल कर लेंगे क्योंकि यहाँ भी एक निगेटिव है, जबकि अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखेंगे तो हमें हमारा a³ - b³ क्या आ जाएगा, 3a, क्योंकि इसे हम 3a³ लिखेंगे, और इसे हम लिखेंगे √2b³। तो जब इस फॉर्मूले के हम खोलेंगे तो क्या आएगा, 3a - √2b, 3a² और √2b² उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी, तो मल्टीप्लाई करके कितना है, 3√2 आएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है, 6√2 आ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना होगा, सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत m है, यदि 5 सम संख्याएं अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको दिया गया, जैसे हम ले लेते हैं इसे 5 क्रमागत सम संख्याएं मान लेते हैं, ये 2, 4, 6, 8, 10 थी, तो इनका जो औसत है ये m है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इनका औसत कितना है, 6, यानी कि m की वैल्यू कितनी है, 6 है। उसके बाद कह रहा है कि अगली 5 संख्याएं जोड़ ली जाती हैं तो फिर औसत क्या होगा, अगली 5 संख्याएं जोड़ते तो कितना होगा, 12, 14, 16, 18 और 20, तो अगली 5 संख्याएं जोड़ते हैं और इनका औसत देखते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग इनका औसत कितना आ जाएगा, 20+2/2 11 आ जाएगा, तो 11 आ जाएगा, तो 11 औसत कैसे आएगा, जब m की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 6 होगी, तभी 11 आएगा, तो आपका आंसर कितना होगा, ये होगा, यहाँ पे आप 6 रखोगे तो 11 तो नहीं आएगा, तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 हो जाती है, तो उस धनराशि पर समान दर पर समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, तो 3 साल में 5% के रेट पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, 1200 हो रहा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये ऑप्शन तो आप सीधे सीधे एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा ही होगा, तो 3 साल में जब साधारण ब्याज 1200 है तो 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 820 तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं इसके भी कई सारे मेथड हैं, पहला हम मेथड ये देख लेते हैं, 3 साल में 1200 रुपये आपको क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि साधारण ब्याज मिल रहा है, यानी कि साधारण ब्याज जो होता है सेम होता है, 3 साल में 1200, 1 साल में कितना हो जाएगा, 400,
यानी कि 400 रुपये एक साल में मिलेगा, अगले साल भी 400 मिलेगा, अगले साल भी कितना मिलेगा 400 मिलेगा। तो ये आपका साधारण ब्याज है। तो अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सेम हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं, सिर्फ थ्री मेथड भी बोलते हैं। अगर इसी में हम निकालेंगे तो आप 400 का जो अगले साल मिलेगा, इस 400 भी चक्रवृद्धि ब्याज इसमें भी मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5%। आपका 5% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5% को हम कितना लिख सकते हैं 20 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 20, 10% 40,000। तो इस यहाँ भी सेम होगा, 20 इसमें मिलेगा और 20 इस वाले पे मिलेगा, और अगले चक्रवृद्धि ब्याज इस पे भी मिलेगा, तो इस पे मिलेगा तो कितना हो जाएगा 1 मिल जाएगा। तो इन सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा 400, 1200, 1261 आ जाएगा, ये आपका सीआई होगा। एक मेथड ये भी है कि आप ये मान लो कि 15% की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, क्योंकि साधारण ब्याज में 1200 दी गई है, और आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम सक्सेसिव लिखाएं तो कितना होता है 15.76 76, आगे कोई वैल्यू होती है, तो 15.76 की वैल्यू निकालिए। 15% की 1200 दिए तो 15.76 की वैल्यू निकालोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1261 ही आएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको डीआई का दिया गया है, इसमें बोला गया था टेबल ब्लो सोज इनकम इन रुपीज फॉर अ पर्टिकुलर मंथ टुगेदर विद देयर सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइव एम्प्लॉयज ए बी सी डी ई। फाइव एम्प्लॉयज की सैलरी दी गई है और अदर सैलरी भी दी गई है। तो इसके बाद बोला हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 times देयर अदर इनकम। तो कितनों की सैलरी अदर इनकम से ज़्यादा है। तो अगर हम देखेंगे अदर इनकम एक ही देखेंगे तो एक ही अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम है 5 × 3 = 8 = 13 और ये कितना हो गया 14। तो 14 × 56 होता है, तो यानी कि 56,000 एक ही इनकम है लेकिन सैलरी कितनी है 52,000। तो यानी कि जो सैलरी है वो कम है, हमें क्या निकालना है कि कितनों की ज़्यादा है। तो ए तो हो नहीं सकता। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट पे 4, 3, 7, 7, 3, 10, 7,500। तो 7,500 को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 0, 0, 4, 5, 20, 0, 2, 7, 28 और 2, 30। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सैलरी जो है अदर इनकम की तो 4 गुना इतनी आ रही है, ठीक है, और सैलरी जो आ रही है आपकी 48,500 आ रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि बी वाले का ज़्यादा है सैलरी। उसके बाद सी में देखेंगे, सी में अदर इनकम कितनी है 2, 2, 4, 8, 9, 9, 10। तो 10 × 40 तो 4 गुना, तो सी भी नहीं होगा। उसके बाद हम डी वाले को चेक करेंगे, डी वाले में देखेंगे 2, 3, 5, 2, 7, 8, 8 और 9, 9 × 36। तो 36 इसमें भी सैलरी ज़्यादा नहीं है, एक मिनट, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 8, 9, 9,000 है, 9 × 36, तो इसमें भी सैलरी कम है, सैलरी कम है। और हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव देयर सैलरी मोर देन 4 times द अदर इनकम। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे 3, 1, 4, 2, 6, 6, 6,700। तो 6,700 देखेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका सैलरी, इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4, 7 × 28, 2, 6 × 24, 24 और 2, 26। इसमें भी आपकी सैलरी जो आ रही है ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ से आपके सिर्फ दो ही ऑप्शन होंगे जिसपे आपका क्या कहते हैं सैलरी आपकी कम आ रही है। एक ऑप्शन ये हो गया पहला वाला, और दूसरा ऑप्शन जो था आपका ये सी था। इसमें 4, 2, 6, 2, 8, 8, 1, 9, 10, 10 × 40 सी ऑप्शन था जिसमें आपकी क्या आ रही थी सैलरी ज़्यादा आ रही। तो ए और सी जो दो ऑप्शन है जिसमें सैलरी ज़्यादा आ रही है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में दिया गया है कि निम्नलिखित तालिका के अनुसार 40 और 60 वर्ष के आयु वाले कितने रोगी हैं। तो 40 और 60 वर्ष के आयु वाले देखेंगे, 60 से कम 45 है, तो 45 में से 29 गया कितने आ जाएंगे 16। तो ये आपका ऑप्शन पहला होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा करता है, उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने में ए कितने दिन और लगेंगे। तो ए ने जो काम किया वो 20 दिन में किया, बी ने जो काम किया वो कितने दिन में पूरा किया 25 दिन में, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा 100। तो बी की इफिशियंसी 20×25 100 और सॉरी ए की इफिशियंसी 20×25 100 और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 25×100। इफिशियंसी हमें पता चल गई 5 और 4। उसके बाद बोला है उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिनों के बाद काम छोड़ दिया,
तो 5 दिनों तक वो कितना काम करेंगे, 5 प्लस 4 9, 9 पंचे 45 वर्क जो होगा वो 5 दिन में कर लेंगे। तो बचा हुआ काम कितना बचेगा, 100 में से 45 गया 55, और ये किसे पूरा करना है, ए को पूरा करना है। तो ए की इफिशियंसी 5 है, तो इसे 5 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर की दूरी है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपका वृत्त है, ठीक है। तो इसमें इसने बोला है, इसमें इसने बोला है कि ये आपका सेंटर है, एक जो जीवा है ये आपकी जीवा है, ये सेंटर से कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। और इसकी जो आपको वो दी गई है, रेडियस जो दी गई है वो कितनी दी गई है, वो 5 दी गई है। तो आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी ये है, ठीक है। तो रेडियस आपकी ये है, तो ये आपको 5 दिया गया, ये आपको 5 दिया गया है, ये आपको 3 दिया गया। तो ये आपको आपको पता है कि यहाँ पे सेंटर से 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो आपको 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आधार कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 4 5, तो जीवा की लंबाई 4 ये है, तो 4 ये भी होगा, तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8। इसका आंसर 8 होगा। तो यहीं पर 3rd शिफ्ट का पेपर सॉल्व होता है, और इसमें जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है, बाकी कहीं पर फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, कहीं पर जो भी फॉर्मूले या ये यूज हो रहे हैं ये आपने पढ़ा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्यूशन पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।